अस्सलाम वालेकुम तो कैसे हो आप सब मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं सादिक गेम यूट्यूब चैनल तो भाई आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉड फ़ोन में इंटरनल साउंड को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई जैसा कि आप सबको पता है कि आप एंड्रॉड फोन में इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉड फ़ोन में इंटरनल साउंड को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई अगर आप एक यूट्यूबर है और आप पर्व ऊबेल की गैप रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बट उसमें आपका इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं होता तो आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करेंगे तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ तो भाई आज की वीडियो में मैं जो मेथड आप सबको बताने वाला हूँ यह मेथड सिर्फ समसंग के फोन में वर्क करेगा ठीक है अगर आपके पास किसी और कंपनी का फोन है तो भाई ये मेथड उसमें वर्क नहीं करेगा तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके लिए ऐसा मेथड लाऊं जिससे आप किसी भी एंड्रॉड फोन में इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर पाए मुझे ऐसा कोई मेथड नहीं मिल रहा है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो अगर आप में से किसी के पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें आप ईजिली इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो भाई आप देख सकते हैं मेरे पास सामसंग गलेक्सी सेवन एच का फ़ोन है ठीक है सो तो अगर आपके पास भी सैमसंग का फोन है तो आप इंटरनल साउंड को ईज़िली रिकॉर्ड कर सकते हैं ओके भाई तो सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है सेटिंग में आने के बाद आपने एडवांस फीचर इसमें आना है उसके बाद गेम्स तो भाई यहाँ से आपने गेम लॉन्चर एंड गेम टूल इन दोनों को आपने इनेबल करना है इसके बाद आपने बैक आना है तो आपके पास गेम लॉन्चर का आइकन आ जाएगा तो चलिए ओपन कर लेते हैं ओके भाई तो आपके पूर्व में जितने भी गेम इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से आप अपने प्ले टाइम कोशिक कर सकते हैं कि आपने गेम को कितना खेला है ओके भाई तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है उसके बाद आपने सेटिंग में आना है हाइट गेम तो भाई अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके फोन में जितने भी गेम इंस्टॉल है वो सारे गेम लॉन्चर में शो होंगे ठीक है आपके मोबाइल में जितने भी ऐप है वहाँ पर आपको गेम नहीं दिखेगी ठीक है सेव मोबाइल डाटा अगर आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं शो गेम नोटिफिकेशन अगर आपको गेम नोटिफिकेशन देखना है तो आपने इसको इनेबल करना है अगर आप प्ले टाइम को हट करना चाहते हैं तो आपने इसको इनेबल करना है भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको गेम लॉन्चर में नोटिफिकेशन मिले तो आपने इसको इनेबल करना है तो इसमें कुछ खास सेटिंग नहीं है तो आपने बैक आना है तो चलिए पब मोबाइल को ओपन करते हैं ओके तो ये गेम ओपन हो रहा है ओके भाई तो आपने गेम टू लाइकन पर क्लिक करना है नो एलर्ट ड्यूरिंग गेम सो भाई अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपको गेम के दौरान कोई नोटिफिकेशन कोई अलर्ट नहीं आएगा ठीक है उसके बाद लॉक रिसेंट की अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं लॉक बैक की तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो भाई जब आप गेम खेलते हैं तो कभी कभार आपसे बैक बटन गलती से प्रेस होता है तो उससे आपका गेम क्लोज हो जाता है ओके भाई अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपकी बैक की लॉक हो जाएगी उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस लॉक भाई अगर आपने ब्राइटनेस को ऑटो पे लगाया है तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं उसके बाद स्क्रीन टच लॉक अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी तो आपने ऊपर की तरफ स्वाइप करना है ओके okay, अगर आपने स्क्रीन लेना है तो आपने इस पे क्लिक करना है तो चलिए सेटिंग में चलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन को आपने हंड्रेड परसेंट पे रखना है रिकॉर्ड वीडियोस आपने इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट इमेज भाई अगर आप गेम प्ले के साथ अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं रिकॉर्ड गेम प्ले विदाउट अ प्रोफाइल तो आपने इस पर क्लिक करना है अगर आपने कोई इमेज वगैरह नहीं लगाना है गेम प्ले के साथ ऑडियो सोर्स तो ऑडियो सोर्स में आपको दो ऑप्शन मिलेगी माइक्रोफोन एंड गेम्स तो भाई अगर आप एक्सटर्नल साउंड को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने माइक्रोफोन पे टिक करना है रिकॉर्ड ऑडियो द गेम तो अगर आप सिर्फ इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने गेम पे टिक करना है तो इससे आप गेम की इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं ओके रिजोल्यूशन में आपको टिन तक मिल जाएगा तो अगर आप फुल एच में वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने टिन को सेलेक्ट करना है तो मैं सेवन को सेलेक्ट करता हूँ और बेट रेट को आपने ऑटो पे रखना है ठीक है तो चलिए आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होता है या नहीं तो टर्निंग मूड में चलते हैं तो भाई आप देख सकते हैं गेम के साथ इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड हो गया है तो भाई इस तरीके से आप पबजी मोबाइल के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एंड्रॉड फोन में सो अगर आप में से किसी के पास सैमसंग का फोन है तो उसमें आप इंटरनल साउंड को इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं सो so, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके लिए ऐसा मेथड लाऊं जिसकी मदद से आप किसी भी एंड्रॉयड फोन में इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर पाए सो so, फिलहाल अगर आप में से किसी के पास सैमसंग का फोन है तो वो इस तरीके से इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ओके okay भाई अगर आपने देखना है कि रिकॉर्डिंग फाइल कहाँ पे सेव हुआ है तो आपने फाइल मैनेजर में आना है उसके बाद डी सी आई एम इस फोल्डर को आपने ओपन करना है तो इस फोल्डर में गेम मीडिया का फोल्डर होगा तो आपने इसको ओपन करना है उसके बाद पबजी मोबाइल तो यहाँ पे आपका वीडियो फाइल है ठीक है सो होपफफुल ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे तो चलिए मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग